अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, फाइंड द इनवर्स बाय द एडजॉइंट मेथड, यानी कि ए इनवर्स हमने मालूम करना है एडजॉइंट मेथड के जरिए। तो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको चाहे तो ए सपोज करें, चाहे बी सपोज करें, चाहे सी सपोज करें, चाहे जी सपोज करें, यह आपके ऊपर है। तो आपके पास इस एडजॉइंट जो होगा, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लें। इसका डिटरमिनेंट जो होगा आएगा 0 माइनस आयोटा, जो कि आपके पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 0। अब माइनस आयोटा स्क्वायर हमें पता है माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए में सिंपल आप क्या करते हैं, ए और डी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, बी और सी अपनी साइन चेंज करते हैं, जीरो के साथ माइनस आ जाएगा। लिखें ना लिखें बात एक ही है। इस इन वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपके पास आएगा माइनस आयोटा 0 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, जो कि आपका आ जाएगा माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। ये आपका आंसर। पार्ट टू में हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले आपने इसको भी आपने एडजॉइंट की मदद से निकालना है। तो सबसे पहले आपने इसको ए के बराबर सपोज किया और आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें पहले। तो जनाब इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 1 2 माइनस 0, और माइनस के साथ 2 माइनस फार्मूले का आएगा, माइनस 2 है तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ये आएगा आपके पास 4 माइनस 0, इसके बाद माइनस 1 आएगा और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले 0 लिख लें। तो जनाब ये हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 4, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 4 = 10। आपके पास डिटरमिनेंट ए आ गया। अब आपने इसका एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, पहले आपने कोफैक्टर मालूम करना होता है। कोफैक्टर के हमारे पास वैल्यू होती हैं, आपके पास कोफैक्टर की जो वैल्यू होती हैं वो आपके पास होती हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, यानी 1 यहाँ पे रॉ बता रहा है, ये 1 जो है आपको कॉलम का बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। अब आपने ये 9 की 9 वैल्यू मालूम करनी है। हमने ये वैल्यूज मालूम करना एक्सरसाइज 4.3 में सीखा था। यानी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इवन पावर है, इवन पावर हो जाएगी 1 की, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 माइनस 0 और ये हो जाएगा 2। इसी तरह से a21 आपके पास -1 हो जाएगा, आपके पास आएगा 4 माइनस 0 और ये हो जाएगा -4। इसी तरह से a13 ठीक है, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 0। इसी तरह से a21 -1 के साथ, जो कि आपके पास आएगा -4 माइनस 0 और ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। a22 ये हो जाएगा आपके पास +1, यहाँ से आपके पास आएगा 2 माइनस 0, जो कि आपके पास आएगा +2। a23 ये आपका हो जाएगा -1, 0 + 0 ये हो जाएगा 0। इसी तरह से a31 ये हो जाएगा +1, 0 - 1 ये हो जाएगा -1। इसी तरह से a32 आपके पास आएगा -1, 0 - 2 और ये हो जाएगा +2। इसी तरह से a33 आपके पास आएगा +1, यहाँ से आएगा 1 + 4 जो कि आपके पास आएगा 5। हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, हम इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 4 = 0 - 1 = 5।
इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आपके पास जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगी, ये रॉ भी आपका कॉलम बन जाएगी, तरह से ये रॉ भी आपकी कॉलम बन जाएगी। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, जो कि आपके पास है 10। ठीक है, तो जनाब 10 जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10, 4 डिवाइडेड बाय 10, -1 डिवाइडेड बाय 10, -4 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 10, ये भी 0 डिवाइडेड बाय 10, और ये 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो जनाब आपके पास ए इनवर्स यहाँ से आएगा 2 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, -1 अपॉन 10 एज इट इज, -4 अपॉन 10 ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5, फिर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से भी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, 0 एज इट इज यहाँ से 0 हो जाएगा। अब 5 अपॉन 10 बराबर होता है 1 अपॉन 2 के, और ये आपका आंसर। पार्ट 3 में भी आपके पास 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यानी इसका डिटरमिनेंट आपके पास आएगा, इसको हम एक्सपेंड करते हैं रॉ 1 के थ्रू। ठीक है, तो पॉजिटिव के इंटू के स्क्वायर -0, और यहाँ से 0 0 जिसे मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के इंटू के क्यूब आपके पास डिटरमिनेंट आ गया। अब आपने एडजॉइंट ए मालूम करना है, को फैक्टर की वैल्यूज निकालेंगे। को फैक्टर की वैल्यूज हमारे पास होती हैं a11, जो कि आपके पास होगा +1 के स्क्वायर -0, a22 -1 0 -0 ये होगा के स्क्वायर, ये होगा 0, a23 ये होगा पॉजिटिव, a12 13 +1 0 -0 ये हो जाएगा 0। इसी तरह से a21 आपके पास है -1 0 -0 आएगा और ये हो जाएगा 0, a22 ये +1 है, k स्क्वायर -0 होगा और ये हो जाएगा k स्क्वायर। इसी तरह से a23 आपके पास -1 है, 0 -0 होगा, ये 0 के बराबर आएगा। a31 आपके पास +1 है, 0 -0 होगा और ये हो जाएगा 0। a32 आपके पास -1 है, 0 -0 होगा, ये आपके पास हो जाएगा 0। और a33 आपके पास +1 है, ये होगा k स्क्वायर -0 और ये आपके पास आएगा k स्क्वायर। को फैक्टर की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 0 0 0, k स्क्वायर 0 0 0, k स्क्वायर। इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 0 0 0, k स्क्वायर 0 0 0, k स्क्वायर। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। आपने इसके डिटरमिनेंट से आपने इसको डिवाइड कर देना है। डिटरमिनेंट हमारे पास k3 है, तो आपके पास ए इनवर्स आया के स्क्वायर अपॉन k3, 0 से k3 डिवाइड होगा तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 0 एज इट इज, के अपॉन k3 0 0 0, के स्क्वायर अपॉन k3। तो जनाब ये आपके पास आएगा के स्क्वायर से के अपॉन डिवाइडेड बाय k3, ये बचेगा 1 अपॉन k, 0 एज इट इज, यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पे भी 1 अपॉन k बचेगा, यहाँ पे 0 एज इट इज आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आएगा, ये 0 भी एज इट इज आएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन k बचेगा, और ये आपका आंसर है। पार्ट 4, इसका भी हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा -0, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन अल्फा आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा
साइन अल्फा माइनस जीरो, जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जो कि हमें मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है वन के, ठीक है। इनकी कोफैक्टर की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं, कोफैक्टर की वैल्यूज मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा ए वन वन पॉजिटिव वन कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा, ठीक है। इसी तरह से आपका है ए वन टू, ये होगा माइनस वन साइन अल्फा माइनस जीरो, ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस में। इसी तरह से ए वन थ्री, ये पॉजिटिव वन होगा और यहाँ से आपके पास आएगा जीरो माइनस जीरो, तो ये आपके पास जीरो के बराबर आएगा। इसी तरह से ए टू वन हो जाएगा माइनस वन माइनस साइन अल्फा माइनस जीरो, जो कि हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइन अल्फा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आएगा ए टू टू, ये प्लस वन होगा, यहाँ से आपके पास आएगा कॉस अल्फा माइनस जीरो और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव कॉस अल्फा। इसी तरह से ए टू थ्री आपके पास आएगा माइनस वन जीरो माइनस जीरो, जो कि हो जाएगा जीरो। इसी तरह आपके पास ए थ्री वन होगा प्लस वन जीरो माइनस जीरो, जो कि जीरो के बराबर आएगा। ए थ्री टू ये होगा माइनस वन जीरो माइनस जीरो और ये भी जीरो के बराबर आएगा। इसी तरह से ए थ्री थ्री आपके पास आएगा पॉजिटिव वन, यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर वन के बराबर होता है, वन इंटू वन वन आएगा। कोफैक्टर की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो जनाब ये हो जाएगा कॉस साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन, ठीक है। इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट हमारे पास वन था, आंसर आपके पास सेम ही रहेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन, ये आपका आंसर। पार्ट फाइव में इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, इसको कॉलम वन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि कॉलम वन में हमारे पास ज़्यादा जीरो हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा वन वन इंटू वन माइनस जीरो और जीरो से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो जीरो रहेगी, तो वन माइनस वन वन रहेगा, वन इंटू वन डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आई वन। कोफैक्टर की वैल्यूज मालूम करते हैं, कोफैक्टर में हमारे पास आ जाएगा ए वन वन हो जाएगा पॉजिटिव वन वन माइनस जीरो, जो के बराबर होता है वन के। ए वन टू बराबर होगा माइनस वन जीरो माइनस जीरो और ये आ जाएगा जीरो के। ए वन थ्री हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव वन जीरो माइनस जीरो और ये हो जाएगा जीरो के बराबर। ए टू वन यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस वन एल माइनस जीरो, जो कि हो जाएगा माइनस एल। ए टू टू यहाँ से पॉजिटिव वन आएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा वन माइनस जीरो, जो कि वन हो जाएगा। ए टू थ्री यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस वन जीरो माइनस जीरो और ये जीरो के बराबर आएगा। ए थ्री वन यहाँ से ए थ्री वन जो है हमारे पास होगा पॉजिटिव वन जीरो माइनस एम और ये हो जाएगा माइनस एम। इसी तरह से ए थ्री टू ये होगा माइनस वन जीरो माइनस जीरो और ये जीरो के बराबर आएगा।
a 3 3, ये होगा पॉजिटिव 1 1 माइनस 0 और ये 1 के बराबर आएगा। कोफैक्टर की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस एल 1 0 माइनस एम 0 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ट्रांसपोज में क्या होगा, जो जो रॉ है वो कॉलम हो जाएगा 1 0 0, ये रॉ भी कॉलम में आ जाएगा 1 0, ये रॉ भी कॉलम बन जाएगी माइनस एम 0 1। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट 1 है हमारे पास, तो आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा। ये हो गया आपका ए इनवर्स और ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी सेम होंगे। हम क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 बाई 3 का, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या आएगा, 1 1 होगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा यहाँ से आएगा, तो हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4। तो जनाब ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और 1 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ओमेगा माइनस ओमेगा है प्लस ओमेगा है 0 हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ओमेगा आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बचेगा ओमेगा। तो जनाब ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब माइनस में ये ओमेगा स्क्वायर इस ओमेगा से होगा माइनस में ओमेगा क्यूब, जो कि आपके पास 0 आएगा। और अगर हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हो, अगर वो हो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका इनवर्स एग्जिट नहीं करता। ये आपका आंसर है।